काटोल तहसील के सबसे बड़ी कोंढाली ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा मिलने की लंबे समय से मांग की जा रही थी। इस मांग को ध्यान में रखते हुए पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, इस क्षेत्र के विधायक व जिला परिषद सदस्य सलील देशमुख ने इस संबंध में फॉलोअप किया था। बुधवार को शासन के माध्यम से शासन आदेश पारित कर कोंढाली ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा देने का निर्णय लिया गया। कोंडाली की बढ़ती आबादी को देखते हुए इस ग्राम पंचायत को नगर पंचायत में बदलने की मांग कई दिनों से लंबित थी। इसके लिए ग्राम पंचायत संकट के बाद पंचायत समिति काटोल का संकल्प लिया गया। सभी आवश्यक दस्तावेजों को पूर्ण कर प्रस्ताव जिला पंचायत नागपुर को भेजा गया। जिला परिषद सदस्य सलील देशमुख ने जिला परिषद की आम सभा में कोंडाली को नगर पंचायत का दर्जा देने का संकल्प लिया और जिलाधिकारी नागपुर के माध्यम से शासन के ग्राम विकास विभाग को सौंपा। दरामन में कुछ नुकसान भी दूर किए गए। सभी कमियों को दूर करने की पहल सलील देशमुख ने की और संशोधित प्रस्ताव 10 अप्रैल 2023 को जिलाधिकारी नागपुर के माध्यम से शासन को प्रस्तुत किया गया। बजट सत्र में भी अनिल देशमुख ने इस मुद्दे को उठाया था और आगामी मॉनसून सत्र में इस संबंध में एक तारांकित प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए 20 जून 2023 को एक प्रश्न भी प्रस्तुत किया गया था। कुछ दिन पहले कोंडाली में एक जनसभा में अनिल देशमुख ने नगर पंचायत का दर्जा देने की कोशिश की थी और इसे जल्द पूरा करने का वादा किया था। इस बीच 21 जून को राज्य सरकार ने कोंढाली ग्राम पंचायत को नगर पंचायत में स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया। पिछले कई वर्षों से कोंढाली के नागरिकों की मांग पूरी होने पर क्षेत्र के विधायक अनिल देशमुख व जिला परिषद सदस्य सलील देशमुख का नागरिकों ने आभार व्यक्त किया है। कोंढाली को नगर पंचायत का दर्जा देने का सरकारी आदेश जारी होते ही सलील देशमुख समेत नागरिकों ने एनसीपी कार्यालय के सामने खुशी जाहिर की। इस मौके पर कोंढाली में कांग्रेस, शिवसेना व एनसीपी व कांग्रेस के सहयोगी अन्य नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। माझ्या काटोल मतदार संघामध्ये कोंढाळी हे अतिशय महत्त्वाचं गाव आहे आणि या गावामधील सर्व लोकांची इच्छा होती की कोंढाळी जी ग्रामपंचायत आहे ती नगरपंचायत झाली पाहिजे आणि यासाठी आम्ही आणि आमच्या सर्व सहकाऱ्यांनी प्रयत्न केले। पहिले कोंढाळी ग्रामपंचायतचा ठराव आम्ही करून घेतला की नगरपंचायत कोंढाळी झाली पाहिजे म्हणून। नंतर हा विषय आम्ही पंचायत समिति नेऊन पंचायत समितीचा ठराव त्या निमित्ताने केला की कोंढाळी ही नगरपंचायत झाली पाहिजे। नंतर जिल्हा परिषदेमध्ये हा विषय गेल्यानंतर तिथे जिल्हा परिषद सदस्य सलील देशमुख आणि बाकी सर्वांनी त्या ठिकाणी प्रयत्न करून नागपूर जिल्हा परिषदच्या जनरल बॉडीचा ठराव घेतला की कोंढाळी ही ग्रामपंचायत आहे त्याची नगरपंचायत लवकरात लवकर झाली पाहिजे। आणि हा जिल्हा परिषद नागपूरने ठराव घेतल्यानंतर मग हे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गेलं, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कमिशनरकडे आणि कमिशनरकडे शासनाकडे गेलं। नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनामध्ये सुद्धा मी हा प्रश्न तिथे उपस्थित केला, अनेकदा विधानसभेमध्ये हा प्रश्न आम्ही उपस्थित केला त्या भागात आमदार म्हणून की कोंढाळी ही ग्रामपंचायत आहे, कोंढाळी हे मोठं गाव आहे त्याच्यामुळे नगरपंचायत झाली पाहिजे, अशा पद्धतीचा विधानसभेमध्ये आमदार म्हणून प्रश्न उपस्थित केला। आणि मला अतिशय आनंद आहे की आम्ही सर्वांनी जे एकत्र येऊन सर्वांनी जे प्रयत्न केलेत त्याच्यामुळे आज जी कोंढाळी जी ग्रामपंचायत होती ती आता कोंढाळी नगरपंचायत झालेली आहे। त्याच्यामुळे अजून पुढील काळामध्ये अजून चांगल्या पद्धतीनं विकासाच्या कामाला कोंढाळीमध्ये गती येईल याचा मला आत्मविश्वास आहे। आपको बता दें कि इससे पहले भी कोंढाली को नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर काटोल के पूर्व विधायक आशीष देशमुख ने भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले एवं पालक मंत्री सुधीर मुनगटीवार को निवेदन सौंपा था। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कोंढाली को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने का श्रेय लेने के लिए एनसीपी और भाजपा के बीच बहस छिड़ सकती है या इस संबंध में दोनों ही पार्टियों के बीच कोई घमासान हो सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। NBC News के लिए राजकुमार मोड़ के साथ अक्सान सारी की रिपोर्ट।